और जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए काशीपुर पहुंचे बीएसपी के उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राय ने यहां पर कहा है कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में फिर से अपनी खोई हुई साख को हासिल करेगी और साथ ही हम पूरी तरह से मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बसपा प्रभारी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां पर शामिल होने से पूर्व क्षेत्रीय जनपद के यहां पर संगठन प्रभारियों और साथ ही पदाधिकारियों से भी जनता के बीच बसपा की यहां पर जो है मजबूती और साथ ही बसपा की यहां पर मुद्दों को लेकर जाने को लेकर कहा है और साथ ही कहा है कि यहां पर बसपा पार्टी को मजबूत किया जाए। प्रभारी साहब, आज जो काशीपुर में बीएसपी का एक दिवसीय सम्मेलन किया गया है, तो किस तरीके के दिशा निर्देश आगामी चुनाव को लेकर के दिए जा रहे हैं और क्या क्या रणनीति? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा, एक मिशन। हम लोगों के बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार हम लोग संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर हमारे विधानसभा स्तरीय पे और सभी पूरे लोकसभा की एक समीक्षा बैठक बुलाई थी।